लॉकडाउन का आज पांचवा दिन है। यहाँ पर मैं हूँ मऊ रोडवेज परिसर में, जहाँ पर लखनऊ दिल्ली सहित जो कामगार फंसे हुए थे वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं। मेरे साथ एक कामगार हैं जो अभी दिल्ली से आए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कहाँ जाना है इनको और किस परिस्थितियों में दिल्ली में थे। पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? अच्छा, क्या करते थे पहले मुझे मास्क लगा लीजिए, क्या करते थे दिल्ली में? अच्छा, क्या स्थिति है दिल्ली में अब? दिल्ली में खराब तो वहाँ पे दिल्ली में आपसे अभी खाने वाने की परेशानी हो रही थी, आप लोग प्रशासन से कुछ था, पैसे थे हमारे पास? अच्छा, तो कैसी परेशानी हुई आपको आने में, कैसे कैसे वहाँ से आप आए यहाँ पर? कैसे आए? हाँ, मैंने लखनऊ में रोडवेज इसके बाद लखनऊ से बस के ऊपर चढ़ के यहाँ। अच्छा, मऊ आप आ गए हैं, यहाँ बस मिल जाएगा, अपने घर के पास आ गए हैं आप। लेकिन ये मैं जानना चाह रहा हूँ वहाँ के लोग कितनी परेशानी हो रही, कैसे आ रहे हैं, आपने देखा होगा कितने लोग परेशान हैं वहाँ पे? बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान, तकलीफ कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, बहुत पैदल आ रहे हैं। तो लोग दिल्ली सरकार को कह रही है खाना ना खिलाया जा रहा है, आपको रास्ते में कुछ खाने को मिला था कहीं वहाँ पे? नहीं, खाना रास्ते में जगह जगह पे कहीं कहीं और जगह नहीं कहीं। अच्छा, दिल्ली सरकार ने कुछ मुहैया करवाया था सामान, दिल्ली सरकार कुछ देर दिखाने के लिए वहाँ दिया? तो आप गांव में काम कैसे रहेंगे आप? गांव में रहेंगे, घर पे रहेंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है कहावत है मजदूर होना, तो गरीबी एक पाप है जो अब लोग अपनी बड़ी उम्मीदों से गए थे दूसरे शहरों में, लेकिन जब उन शहर में इनको रोजगार बंद हो गए, साधन खाने के मुहैया खत्म हो गए, तो ये अपने घर को वापस आ रहे हैं। मेरे साथ एक और भाई, उनसे जानना चाहेंगे कि किस कदर वो दिल्ली से यहाँ पर आए और क्या क्या परेशानी का सामना करें। क्या नाम है अपना, बताइए? अच्छा, कहाँ रहते थे आप, क्या काम करते? लॉकडाउन होने के बाद कितनी परेशानी आपको हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, खाने पीने और सब व्यवस्था में बहुत दिक्कत है। किस तरीके से आपको वहाँ से आया? बस पकड़ कर आएंगे, गाजियाबाद पकड़ कर आया। तो घर गाड़ी चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ पे आपने रास्ते में आने में कितनी परेशानी और कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं हो रही थी, लोग कर रहे थे? हाँ, उधर तो खाने पीने को मिल रहा था, गाजियाबाद उधर नोएडा मिल रहा था, फिर इधर आने को नहीं। यहाँ पे आने में मेडिकल टेस्ट वगैरह हुआ आप लोगों? हाँ जी हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ। अच्छा, तो जो मजदूर दिल्ली से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, उनका मऊ जिले रोडवेज परिसर में उनका तापमान मापा जा रहा है, इसके बाद इनको विधिवत समझाया जा रहा है कि अपने गांव में जाकर क्वारंटाइन होकर रहें, जिससे अगर वो संक्रमित होते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण का शिकार न बनाएं। ऐसे हालात में ये मजदूर तो अपने घर आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे ड्यूटी पे लगे हैं उनको सुरक्षा के बगैर रखा गया है। ये किसी तरह दूसरे का चेकअप कर रहे हैं लेकिन ये खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम इसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे लोग बैठे हैं कि इनको किस प्रकार की सुविधाएं